वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों देखिए, आप सबको एक सबसे ज़्यादा डाउट निकल के आ रहा है कि देखिए SSR और AA के बारे में, यानी कि बहुत सारे चैनल्स के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है और इस तरह का एक र्यूमर फैलाया जा रहा है शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते AA के लिए, तो आप SSR के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं रहेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला ये न्यूज़ जो कि एक अफवाह है, अब मैं आपको पूरा कायदे से आपको समझाता हूँ क्या ये सही बात है। क्या AA के अंदर यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या इसके ऊपर SSR के ऊपर भी क्या इसका कोई फर्क पड़ता है? देखिएगा, जनरली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से फिर मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। आपने एक चीज़ को देखा होगा, जब आप SSC GD के अंदर, आपको पता है BSF, CRPF या फिर ITBP हूँ, उनके अंदर क्या होता है, पेपर एक ही होता है, लेकिन जब आपके नंबर CRPF के लाइक नहीं होते हैं तो आपको BSF में रख दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना, CISF के अंदर नंबर नहीं आया तो मतलब CRPF BSF के अंदर भी नंबर नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि उसका कट ऑफ उससे संबंधित होता है AA और SSR। आप सबको पता होगा एग्जाम एक ही होता है, लेकिन AA का यदि कट ऑफ के अंदर आपके आपका नंबर नहीं आ पाता है तो इसका कोई कनेक्शन SSR से नहीं होता है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता है इसका। ऐसे तो मान लीजिए जिसके 30 नंबर आएंगे 25 नंबर आएंगे इसका मतलब वो सिलेक्शन ले जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है। काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा, बार बार कमेंट किया कि सर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमारी प्रॉब्लम का सलूशन कर दीजिए। यदि आपके पास इसका जवाब है तो एक बात बताइए, यदि इस तरह का कोई भी बड़ा अपडेट किया जाता तो क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अपडेट नहीं आता? बोलिए, आता ना, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका कोई भी अब तक कोई भी अपडेट नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ इस न्यूज़ को पता नहीं क्या दिमाग के अंदर क्वेश्चन बनता है और इस तरह से निकल के आ जाता है, जबकि इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है SSR से, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। यदि ऐसा होगा तो नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। देखिए मैं क्या बोलने वाला, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक मुझे नहीं लगता कुछ बोलना चाहिए, और मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि इसका SSR से कोई कनेक्शन नहीं होता है। यदि आपका SSR के अंदर आपका कट ऑफ के लेवल के अकॉर्डिंग, SSR के जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग यदि आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन SSR में हो जाएगा। AA में नहीं है तो क्या हुआ, दोनों ही लाइन अलग होती हैं, एग्जाम एक ही होता है लेकिन दोनों का लाइन जो होता है कट ऑफ पर डिपेंड करता है। तो AA का SSR से इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि आपका ऐसा बोला जाए कि AA में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप SSR में भी फेल हो गए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री रहें, स्वतंत्र रहें, आप अपना ज़्यादा बर्डन ना समझे, ज़्यादा बोझ ना समझे कि AA में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मतलब SSR में क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ। मुझे लगता है कि आपको इस तरह की परेशानी से ये वीडियो बहुत राहत देगी, आपको अब किसी भी तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए। आप सबको पता होगा कि यदि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जो आता है या फिर कोई भी नया अपडेट आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट जिंदाबाद, यानी कि वो आपको अपडेट कर देती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी अपडेट नहीं आया। आपको क्या लगता है, मैं ऐसी न्यूज़ या फिर इस तरह का कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो क्या मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा? सर हमारी नज़र आपसे भी ज़्यादा तेज़ रहती है, स्पेशली नेवी की वेबसाइट पर, एयरफोर्स की वेबसाइट पर, SSC की वेबसाइट पर, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, टाइम से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी अदर जानकारी रहेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी इसका SSR से कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आपके नंबर SSR के लाइक हैं देन आप SSR में सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? देखिए AA में क्या होता है, AA के अंदर पोस्ट कम होता है इसलिए उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, लेकिन SSR के अंदर थोड़ा सा पोस्ट ज़्यादा होता है तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप AA नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, आप SSR को क्वालिफाई कर पाए। मैं आप सबसे एक बार और बोलना चाहूँगा कि आप सबको पता हुआ कि 2000 से अब जो फॉर्म आया है SSR और AA के लिए, उसमें 2000 के बाद, फरवरी 2000 के बाद यदि आपका एज है देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1900 वालों के लिए अभी नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, 1998 वालों के लिए। तो मैं बोलूँगा कि यदि आपके पास एक चांस है एयरफोर्स के लिए तो आप उसके लिए अच्छे से फुली कॉन्सनट्रेट हो करके, मंथन लगा करके आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर अटैम्प्ट करें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कोई ज़्यादा बड़ी तोप हो, आप उससे क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, ऐसा नहीं है। आप आराम से बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। मन तन से प्रैक्टिस सेट लगाओ, मन तन से ज़्यादा घंटे पढ़ाई करो। आप एक स्टूडेंट हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपकी अभी उम्र है इसलिए जिनकी उम्र नहीं है उनका रोना ठीक है, लेकिन आपकी सर उम्र भी है, आपने फॉर्म भी भर दिया फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं,
अब सोच रहे हैं कि सर जी लाइव नहीं पढ़ा रहे, अरे लाइव के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी है वीडियोस वगैरह उनको आप इंजॉय करें फुली, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप सबको पता होगा कमेंट बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे पाता। बेसिकली मुझे लगता है कि यदि कोई वीडियो इस पर बनाना चाहिए तो मैं उसके लिए बना देता हूँ। आप सबको बिल्कुल चिंता नहीं करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।